भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम प्रतिपक्ष रहे या सत्ता में, जनसेवा का काम सदैव करते रहेंगे। पच्चीस सितंबर पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन है, लाखों कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है, और मैं समझता हूं कि 25 सितंबर कार्यकर्ता महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजय का संकल्प करेगा तो चुनाव तक की यात्रा और विजय को सुनिश्चित करने का दिन तक मैं 25 सितंबर का ये संकल्प निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश, सुनते ही मन विचलित होने लगता है, और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं, धक्का मुक्की डंडा और पता नहीं, एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। अब कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है, तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया। आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह जी का फोटो गायब, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा ही से गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मुझे तो आश्चर्य लगता कि ऐसी पार्टी जिसका नेता पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलता है, उसका भविष्य क्या होगा? जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इन यात्राओं में मिला। पांचों यात्राओं के माध्यम से हमने जो विचार किया था कि पहले हमारी एक यात्रा जब निकलती थी तो सभी विधानसभाओं को नीचे तक हम नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इस बार इन 21 दिनों के अंदर इन पांच यात्राओं के माध्यम से अभी तक जो यात्रा कल हमारी जो संपन्न हुई है, 223 विधानसभाएं, 7 विधानसभाएं हमारी जो भोपाल जिले की हैं, वो विधानसभाओं के कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी, जहां पर यात्राओं का विधिवत समापन होगा, तो यात्राओं में भी सहभागी हैं।